मोहम्मद कासिम है। हाँ कासिम, क्या हुआ बताया थोड़ा सा। भाई मेरा भाई घर से आ रहा था, निकल के वहाँ से गोली चली उस चौक पे पल्ले वाले पे, वो होपलेस हो गए, यहाँ पर गिर गए। ठीक है, यहाँ पर गिरने के बाद उनके ऊपर चाकू से हमले करे। ठीक है, चाकू से जैसे उनके ऊपर हमले करे तो उनके हल्के वो सांस चल रही थी उस टाइम पर, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं था। आप यहीं थे मौके पर थे? हाँ हाँ, मैं मौके, बस उनकी सांस ही चल रही थी। कितने आदमी थे? वो 5 आदमी थे। किस तरफ से आए थे? वो उस तरफ से आए थे। आगे किधर को? वो भागे इधर को। अच्छा, इधर थे सारे। वजह क्या थी मारने की? मैं, मेरा भाई आई विटनेस था। किस मामले में था? छोटे भाई के मर्डर में। छोटे भाई के तो क्या हुआ, धमकी वगैरह भी आ रही थी क्या? हाँ धमकी आ रही थी। कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे? धमकी उसमें कई लोग हैं। कौन कौन है, नाम तो बताइए जो लोग दे रहे थे धमकी। धमकी जो दे रहे थे कौन लोग हैं? आपका भाई भी इलाके में बीसी है? आपका भाई को बीसी डिक्लेयर कर रखा है पुलिस वालों ने? नहीं, वो छोटा वाला जिसका मर्डर हुआ। ये वाला बीसी नहीं है? नहीं, ये बीसी ना दिखे। नहीं दिखे? दिखा। चलो एक बार कर लेते। नहीं, मेरे ध्यान नहीं है भाई। छोटा सर, एक हत्या का मामला सामने आया थाना जाफराबाद से, क्या है थोड़ा सा बताएं। मोबाइल फोन 7 बजे का इंसिडेंट लगता है, 7 बजे के आसपास की कॉल है। नाजिर है ये, 35 साल उम्र है, यहीं पीछे गली में रहता है। इससे भी हम लोग चौहान बांगर में उस जगह को मंगला वाली गली बोलते हैं, खाड़े वाली गली पीछे, इसका जरा खाड़े वाली गली बोलते हैं। तो स्कूटी में आया ये बता रहे हैं, और कुछ लोगों ने अभी एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं है, किसी शार्प हथियार से चाकू से अटैक किया है तो गले में चोट लगी है, माथे पे डेड है। अभी पता कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बैकग्राउंड क्या है जान? कितने लोग थे? नहीं अभी कुछ, अभी पूछताछ कर। सर चाकू से वार किया गया है, गोली भी चली? नहीं, गोली वोली नहीं, चाकू पीछे गोली चलाते हुए लोग आए थे। अभी थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे, मौके पे चाकू गिरा हुआ है, गले में चाकू का निशान। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, भाई लाइट दिखा। हाँ, एक मिनट।